हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट बार बार आ रहे हैं, रिपीटली आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और आपके मन के अंदर भी यही सवाल बार बार उठ रहा है, तो आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर हरियाणा ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी। उससे पहले देखिएगा, यदि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केटीडीटी ऐप पर आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर 50% का डिस्काउंट दे रखा है SHIV। ये कूपन कोड लगाओगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई बैच सही कितनी भी, 50 रुपए का है तो 25 का मिल जाएगा, 500 का है तो 250 का मिल जाएगा। आप एक बार KTDT ऐप पे विजिट कर लीजिए, आपको जिस बैच की जरूरत है, जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, वो आप ट्राई कर लीजिए डेमो देख के। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हरियाणा ग्रुप डी की। दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक नया CET और होना था, लेकिन सरकार के इन लफड़ों की वजह से कोर्ट केस इतने हो गए भर्तियों पे कि सरकार भर्ती पूरी नहीं कर पाई। चाहे वो सरकार की नीयत खराब हो, चाहे वो बच्चों ने कोर्ट केस किया। हालांकि अब तो बच्चों का नाम आ रखा है कि बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया इसलिए भर्ती नहीं। सरकार भी यही रुके मारे कि भर्ती रोको गए हैं, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और भर्ती नहीं कर पाई। लेकिन भर्तियों के अंदर कमी थी तभी किसी बच्चे ने कोर्ट केस किए, अदरवाइज सिर्फ कोर्ट केस करने से भर्ती नहीं रुकती। यहाँ पे सरकार की गलत नीतियों की, जैसे गलत पॉलिसियों की वजह से भर्ती रुकी है, और जिसका खामियाजा आज हरियाणा सरकार भी भुगत रही है। आने वाले 2 महीने जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, उसके अंदर भी ये चीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार अब हर हाल में ये चाहती है कि जो रिजल्ट आज के 2 महीने बाद अपने को दिखाई दे रहा है, सरकार को भी दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट बदल जाए किसी ना किसी तरीके से। तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उसके लिए। आपने देखा होगा अभी इन्होंने TGT की भर्ती निकाल दी, PGT की भर्ती निकाल दी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी, JBT की भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, और TGT को ज्वाइनिंग दे दी, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी कर दी। हरियाणा पुलिस का फिजिकल कितने स्पीड से किया जा रहा है, 56 स्थानों की एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दी है, JEE की एग्जाम डेट भी दे दी है। यानी कि हर संभव प्रयास कर रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी नीतियां बनाई जा रही है। यानी कि हर संभव प्रयास कर रही है कि विधानसभा में जो बीजेपी पार्टी है या जो एट प्रेजेंट सत्ता में पार्टी है, वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए, अच्छी परफॉर्मेंस दे। इसके लिए दोस्तों हरियाणा सरकार ग्रुप डी का गेम भी खेलेगी। जी हाँ, पहली बात तो है कि जो बचा हुआ पेंडिंग रिजल्ट है ग्रुप डी का, वो भी आएगा। कुछ वैकेंसी की संख्या वहां पे भी 2000-3000 बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी लगेगी उस भर्ती की, आप देख लीजिएगा, 13,500 पोस्ट है, चौथे हिस्से की वेटिंग लिस्ट भी लगेगी उसके अंदर, ठीक है। और 2500 का पेंडिंग रिजल्ट अभी भी है, यानी कि वहां पे भी अभी अच्छी खासी पोस्ट है, वो आपकी फिलअप होनी बाकी है। ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ना, खाली रहेगी, बाद में देख लेना। वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाएगी, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, टाइम होता है, प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग सरकार को चलना पड़ता है। लेकिन सरकार हर संभव प्रयास करेगी अपने इस रोजगार को, जो इन्होंने 5 साल से कुछ भी नहीं किया ना, उस रोजगार के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की नई भर्ती भी ये निकालेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। ग्रुप डी की भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी। और अभी नहीं आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन के माहौल के अनुसार ये भर्ती निकाली जाएगी। आप मान के चलिए कि आचार संहिता लगने से पहले पहले कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन नया, जी हाँ, नई भर्तियों की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की नई भर्तियों का नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार निकालने जा रही है। वो भर्तियां पूरी कर देगी नहीं कर देगी दोस्तों, वो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो साथी केवल यही सुनना चाहते थे कि हरियाणा में हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों पुराने वाली भर्ती में भी कुछ पोस्ट खाली भी रहेंगी, वेटिंग भी लगेगी, 2500 पेंडिंग रिजल्ट है वो भी आएगा, वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है 2000-3000, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी भी आएगी ग्रुप डी की, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जरूर आएगा, उस भर्ती को पूरा करेंगे नहीं करेंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको अच्छी लगती है चीजें, आप सहमत होते हैं चीजों से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो भाई बंधु है, दोस्त प्यारे हैं, उनको भी पता चल जाए कि हरियाणा के अंदर भर्तियों के ऊपर सरकार हर तत्पर प्रयास करने को अब मजबूर है।
अपने लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए करना चाहेगी, ठीक है। तो ये अपडेट थी दोस्तों। बाकी आप यदि आज एट प्रेजेंट बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो भी 50% का, तो दोस्तों कूपन कोड लगा लीजिए SHIV। बहुत सारे बैचेज उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक बार KTDT ऐप पे डेमो जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए, समझ में आए और डिस्काउंट भी पसंद आए तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।